होली के रंग में इंदौर पूरी तरह रंग चुका है। हर तरफ रंगों के साथ लोगों में मस्ती का जुनून छाया हुआ है और इसी के साथ पुलिस ने भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस का अमला मुस्तैदी से जांच में जुटा हुआ है। यहाँ से हुड़दंगी लोग जो तीन सवारी बैठ के निकल रहे हैं या किसी तरह का नशा करके निकल रहे हैं, किसी तरह के उत्पात कर रहे हैं या कोई संदिग्ध है, तो पुलिस उसे देखते ही रोक रही है, उसकी सघन चेकिंग कर रही है। चेकिंग के साथ ही ये आश्वस्त कर रही है कि ये पकड़ा गया शख्स किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए तो नहीं निकला है, क्योंकि इंदौर में इससे पहले भी कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, रंग पंचमी के दौरान हो चुकी हैं, जब नशे की हालत में कुछ बदमाशों ने सिलसिलेवार वारदात को अंजाम दिया था और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आइए, इस समय मौजूद है हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सर, अब तक का माहौल कैसा रहा है, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है? शहर में होली जो है बहुत ही सुकून से और अच्छे ढंग से मनाई जा रही है और कल शाम से ही होली जलने के पहले से ही शाम को 6 बजे से हमारे करीब 800 से लेकर 1000 पुलिसकर्मी जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पे ड्यूटी तैनात हैं। ट्रैफिक के लोग भी हैं, बाहर से आरएफ का बल और एसएफ का बल भी हमारे पास मौजूद है जो सेंसिटिव पॉइंट पर लगाया हुआ है और बाकी जो है वो चेकिंग आप देख रहे हैं चल रही है। जो शराब की गाड़ी चला रहे हैं उनको ब्रेथ एनालाइजर से उनकी चेकिंग चल रही है। इसी प्रकार जो है जो तीन सवारी या ज़्यादा उत्पात कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और बाकी शहर में सुकून से बढ़िया से अच्छे से त्यौहार मनाया जा रहा है और पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और कहीं कोई सर कोई गिरफ्तारी है, कुछ हिरासत में लिए गए हैं? पिछली कई बार ऐसा देखा गया होली के दौरान बड़े हादसे हुए हैं, कुछ बड़ी आपराधिक घटना हुई है, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई अगर ऐसा संदिग्ध आदमी दिखता है? पिछली बार तो नहीं, लेकिन उसके पहले 2-3 साल पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, उसको सभी हम लोग कर्मचारी जो है सबको ब्रीफ है उसके लिए और मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं कि ऐसी कोई घटना होगी या उसको पहली बात तो होने नहीं देंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर उसको जो है तत्परता से पकड़ लिया जाएगा और सभी लोग इस बारे में ब्रीफ्ड हैं, सभी लोग इसके लिए अलर्ट हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। पुलिस आश्वस्त है अपने दावों को लेकर, उनको यकीन है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह माकूल है, लेकिन ये रंग है और रंग में हर आदमी एक होता है, उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे हालात में जब वह नशा करके या किसी मानसिकता को लेकर निकले तो निश्चित तौर से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य सिंह, बंसल न्यूज़, इंदौर।